राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ। क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं गुरुजी, पति का भी तो कोई कर्तव्य है ना। पति का धर्म है कि वो पत्नी व्रता बने। गुरुजी हमारी शादी को 3 साल हो गए। हाँ। पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। कहाँ पति आपके? पति घर पे है, अभी बच्चा है और मम्मी साथ में ही है। तो पति को ले आते तो हम अभी आपकी बनवा देते। मतलब हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आपकी तरफ से होती है कि उनकी तरफ से? मतलब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो हर बात को उल्टा ले लेते। अच्छा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। मतलब कुछ भी मैं सही बात बोलूंगी ना। जैसे जैसे? जैसे मैं बोलना नहीं चाहती, वो देख रहे हैं अभी इसलिए। अच्छा, तो आप कोई बात कहती हैं तो वो उसका उल्टा। तो आप एक काम करो ना, आप कुछ बोलो ही मत कुछ दिन। ये भी धारण करके देखो कि आप चुप रह के देखो, जरा मौन रहो तो ही अच्छा। कुछ भी नहीं बोलती उनको, पर फिर भी उनके। शराब पीते हैं आपके पति? नहीं। मांस खाते हैं? हाँ। मांस खाते हैं तो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि भैया मांस बिल्कुल ना खाओ, ये पाप ना करो। और क्या करते हैं पति आपके काम धाम? पति कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब है, मोबाइल की शॉप है। तो आपके पति आपको डांटते हैं? हाँ। मारते तो नहीं है? नहीं, पर गुरुजी यार छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आज से एक काम करा करो कि आप बिल्कुल टुप्पी टाप रहा करो। पति कुछ भी बोलेगा, लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए बताओ? लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? दो। कम से कम लड़ने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। दो लोगों का बोलना जरूरी है। अब वो जितना चाहे बोलने दिया करो, आप बिल्कुल अपने आप को चुप रखो और उनको बोलने दिया करो। जब वो बोल के शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब फिर ठंडे दिमाग से आप जवाब दे दिया करो। आपको सोचने का मौका मिल जाएगा शांति से। तो गुरुजी आप कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। आप हमेशा ही मतलब औरतों को ही क्यों बोलते हो? नहीं, पुरुषों को भी बोलते हैं। नहीं, वो इन चक्कर में फिर हमको उल्टा सुल्टा बोलते हैं। वो फिर क्या बोलते हैं? मतलब और तो चुप रहे और वो कुछ नहीं। नहीं, उन्हें भी बोलना। अब आप ले आते तो हम आपसे ज्यादा उन्हें समझाते, पर आप लाए कहाँ हैं? अब समस्या तो ये है ना कि आप लाए नहीं उनको। लाते तो हम उनको आपसे ज्यादा समझाते और आज ही ठीक करके भेजते। बिल्कुल आज ठीक है, धन्यवाद। अब जब आना तो साथ में लेके आना। गारंटी ले रहे हैं हम कि आप दोनों को ठीक करके भेजेंगे। आपके पति को, आप तो ठीक है ही हो, आपके पति को ठीक करने की जरूरत है। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि जन्माष्टमी कल है या परसों? हाँ, बढ़िया प्रश्न कर दिया आपने। जन्माष्टमी 7 तारीख की है, मतलब परसों। ठीक है गुरुजी। और ये प्रश्न है कि जब मैं कोई जैसे तुलसी का माला है ये पहनते हैं, उसमें मूर्ति है ये, जब मैं स्नान करती हूँ तब क्या ये पानी, ये जो जल है ये चरणों तक जाता है, क्या उनका अपमान होता है? भगवान को नहलाने वाले पानी को ऐसी जगह पर डालो कि वो हमारे पाँव में ना आए, अपराध होता है। भगवान का चरणामृत किसी के पाँव के नीचे ना जाए। उसे क्यारी में, तुलसी के ऊपर, तुलसी के गमले में, जहाँ माटी हो वहाँ, या फिर कोई अच्छी सुरक्षित जगह में, जहाँ कुछ लोग ना नाली में बहा देते हैं, वो गलत है। भगवान का चरणामृत पानी नाली में नहीं, जहाँ आप लोग बर्तन धुलते हैं वानी, कोई अलग सा मिट्टी रखो घर में, थोड़ी गमले में कुछ पौधे वौधे लगाओ, उसमें डाला करो। मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं।
सुंदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय राधे राधे खुश रहिए प्रसन्न रहिए।